सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे वीवो मोबाइल जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे 7600 से ज्यादा वैकेंसी है। हाँ गाइस, यहाँ पे 7658 वैकेंसी निकल के आ चुकी है, पोस्ट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है और आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे जॉब के लिए नौकरी के लिए आवेदन करना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ, हर एक चीज को यहाँ पे मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना अगर आप लोग यहाँ पे वीवो मोबाइल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो। गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग यानी कि 10वीं 12वीं या फिर ITI डिप्लोमा, इन लोगों के लिए भी वैकेंसी है। और यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में ही आवेदन करना है और बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में ही आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा, बिना स्किप करते हुए देखिएगा, तभी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, वीवो में बहुत कर्मचारी चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे वीवो जैसी बड़ी कंपनी में, वीवो मोबाइल जैसी बड़ी कंपनी में यहाँ पे जो है बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी भर्तियां निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग का 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, 8 घंटे का ही ड्यूटी करना है, महिला पुरुष, मेल फीमेल। हाँ गाइस, मेल फीमेल सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, महिला पुरुष सभी के लिए वैकेंसी है। हाँ गाइस, यहाँ पे महिला पुरुष सभी के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। सैलरी यहाँ पे जो 28,000 आप लोग देख रहे हैं गाइस, ये बस एक अनुमानिक एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोगों से लेके ज्यादा पढ़े लिखे तक हर किसी के लिए अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 10वीं पास 12वीं पास, BA, BSc, BCom, हाँ गाइज यहाँ पे BTech, किसी भी स्ट्रीम में आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, आप लोग यहाँ पे जो है आवेदन कर पाएंगे, आप लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, लोग 8वीं 10वीं पास लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको अपने शहर में ही काम मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपके अपने शहर में जो वीवो का शोरूम है उसमें ही आप लोगों को यहाँ पे काम मिल सकता है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका निकल के आ चुकी है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ऐसी वाली जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आते हैं जिससे आपका बेरोजगारी दूर हो जाए। सो दोस्तों हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ वाले नोटिफिकेशन बेल में ऑल बटन को प्रेस कर देना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और अपनी जॉब पाने की संभावना बढ़ाने के लिए। सो चलिए गाइज, यहाँ पे अभी ज्यादा देर ना करते हुए पहले हम लोग देख लेंगे जॉब की पूरा डिटेल्स, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आवेदन करना है। सो गाइज यहाँ पे जॉब की डिटेल्स की बात कर ले तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, वीवो मोबाइल जॉब रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइज, यहाँ पे वीवो मोबाइल कंपनी में 2022 के लिए जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 7658। हाँ गाइज, यहाँ पे 7658 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी वैकेंसी है गाइज, यहाँ पे 7000 वैकेंसी कम नहीं होती, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी, ये सब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सब भी बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, वीवो इंडिया रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइस, यहाँ पे वीवो इंडिया में 2022 के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि यहाँ पे जो है कौन से पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी, क्या लोकेशन होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होने वाली है, यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, हर एक डिटेल्स यहाँ पे हम लोग जो है पूरा सटीक तरीका से देख लेंगे। इससे पहले गाइस आप लोगों से एक शिकायत था, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख के आधी अधूरी जानकारी लेकर आवेदन करते हैं, इसी वजह से आपका जॉब नहीं लग पाता है। सो गाइस आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा, तभी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। क्योंकि देखिए गाइस, अभी हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडिडेट की तुलना में वैकेंसियां कम आ रही है। सो दोस्तों आप लोगों से बस ये गुजारिश रहेगा, वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, हर एक चीज को पहले बारीकी से समझिएगा, तभी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, यहाँ पे वीवो मोबाइल कंपनी में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई मोड की बात कर ले तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है गाइस, यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है, कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में आवेदन करना है गाइस। देखिए यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप लोगों को
कभी भी किसी को एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जॉब वेली आपके लिए जो जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आता है ये सब में बिल्कुल फ्री, हाँ गाइस 100% फ्री में ही आवेदन करना होता है। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर वगैरह भूल से भी मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपको जो है फोन करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपका पैसा लूट सकते हैं। गाइस आप लोगों को और एक चेतावनी देना था, देखिए आजकल कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अपना डीपी वगैरह में नंबर लगा के बोलते हैं ये हमारा नंबर है, हम लोग फलाना कंपनी से बोल रहे हैं, हमें फोन कीजिए हम आपका जॉब लगवा देंगे। गाइस ये सब आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये लोग भी फ्रॉड है, इन लोगों के जैसे में भी मत आइएगा, ये लोग आपसे पैसा लूट लेंगे। जॉब वाले आप लोगों को कभी भी किसी को एक पैसा देने के लिए नहीं बोलता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में और निःशुल्क में ही आवेदन करना है। यहाँ पे जो है जॉब वाले आप लोगों को कभी भी कमेंट बॉक्स में कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं करता है, ये बात को आप लोग अच्छी तरह से दिमाग पे बैठा लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग करंट ओपनिंग्स देख लेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे सेल्स के लिए वैकेंसी है, तो सेल्स एसोसिएट की वैकेंसी है, जैसे कि सेल्स वर्कर, सेल्स क्लर्क, इसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सब वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सेल्स कंसल्टेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सिक्योरिटी ऑफिसर, गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी की भी वैकेंसी है, ट्रेनिंग के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे स्टॉक क्लर्क, स्टॉकर, वेयरहाउस एसोसिएट, वेयरहाउस यानी कि गोडाउन का जो है यहाँ पे एसोसिएट यहाँ पे मांगा गया है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मोबाइल एसेसरीज काउंटर पर्सन, हाँ गाइज यहाँ पे मोबाइल का जो एसेसरीज होते हैं जैसे कि यहाँ पे चार्जर हो गया या फिर यहाँ पे जो है हेडफोन हो गए, ये सब का जो है यहाँ पे काउंटर पर्सन चाहिए, पार्ट्स का भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कैशियर, हाँ गाइज यहाँ पे कैशियर की भी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, डिस्प्ले असिस्टेंट, इन्वेंटरी एसोसिएट, इन्वेंटरी टेकर, ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर फिलर, ऑर्डर पिकर, पेंट स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेटर, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो गाइज ये सब वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी, मैंने पहले ही बता दिया है आपको यहाँ पे अपने निकटतम शहर में ही जॉब देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी होना चाहिए। बस यहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका पास आउट होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये सब बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे इंटरव्यू होगी, इसके बाद आप लोग को डायरेक्टली इंटरव्यू ले लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, बहुत ही आसान है। सैलरी की बात कर ले तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट, हाँ गाइस अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो पर बीबो कंपनी रूल, हाँ गाइस ऑल्सो एज पर बीबो कंपनी रूल, बीबो कंपनी रूल के हिसाब से आप लोग को अलग अलग कैटेगरी की सैलरी देखने को मिल जाएगी अलग अलग जॉब के लिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, हाँ गाइस यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हाँ गाइस आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल यानी कि महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस, हाँ गाइस फ्रेशर्स यानी कि अगर आप लोगों ने पहले काम नहीं किया है तभी भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे और एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम जो है 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 वर्ष, इससे ज्यादा होने से आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे और 18 से कम होने से भी आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन वगैरह भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल का। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं 0 एप्लीकेशन फीस, कोई भी फीस पे नहीं करना है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। गाइज यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप लोगों को कभी भी किसी को एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप लोगों को यहाँ पे जॉब लगने में कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ गाइज यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप लोग कभी भी किसी को पैसा मत दीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा बिल्कुल फ्री और निःशुल्क वाला तरीका, उसी तरीके से आप लोग को आवेदन करना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एजुकेशनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब में कोई भी एक होना चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिज्यूमे, ये सब आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, तो गाइज अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई इन वीवो रिक्रूटमेंट 2022, हाँ गाइज यहाँ पे वीवो का जो रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है इसमें आप लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो गाइज अप्लाई कैसे करना है इसको जानने के लिए आप लोग को अभी से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं अभी से आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। हर एक स्टेप को यहाँ पे आप लोग बारीकी से समझिएगा, पूरा जो है
यहाँ पे ध्यान देके देखिएगा, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। सो गाइज मैं यहाँ पे आपको जो है फ्री और निःशुल्क वाला तरीका ही बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए गूगल में आ चुका हूँ। आप लोगों को भी यहाँ पे गूगल में आ जाना है, अपने मोबाइल फोन में या फिर पीसी में कोई भी एक बढ़िया सा वेब ब्राउजर को ओपन करके मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर सजेस्ट करूंगा। तो आप लोग गूगल में आ जाइएगा और गूगल में आके आप लोग बस यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा JOB VALEY। आप लोग बस इतना टाइप कर दीजिए जॉब फेली और यहाँ पे सर्च कर दीजिए। जैसे आप लोग सर्च कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोग के सामने यहाँ पे जॉब वेली का जो है सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगी www.jobvalley.online। हाँ गाइस, ये जो वेब एड्रेस सबसे ऊपर में देखने को मिल रही है, आप लोग को डायरेक्टली इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है या फिर आप लोग यहाँ पे www.jobvalley.online डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोग यहाँ पे जॉब वेली के ऑफिशियल पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगी वीवो मोबाइल रिक्रूटमेंट 2022 May 12। आप लोग डेट को यहाँ पे गाइज अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली इसमें क्लिक कर देना है या फिर कुछ दिन बाद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइज यहाँ पे कुछ दिन बाद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज यहाँ पे जो है अलग अलग जॉब अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे अगर देखने को नहीं मिलती है तो आप लोग को क्या करना है, ऊपर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग में आके आप लोग को लिखना होगा वीवो। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोग को ऐसा लिखना है वीवो, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो है साथ में रिक्रूटमेंट लिख देना है, इसके बाद या फिर डायरेक्टली आप लोग वीवो लिख के यहाँ पे जो है 2022 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे वीवो 2022 लिखेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेट 12 वाला जॉब जो है सबसे ऊपर में शो करेगी, क्योंकि अभी जो है 2022 में सिर्फ यही वाला जॉब ही निकल के आ चुकी है। तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरा जॉब नहीं मिलेगी, आप लोग बस वीवो 2022 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसमें डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस जॉब का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बस नीचे चले आना है, आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे पूरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बस नीचे चले आना है, नीचे चले आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स है, हर एक लिंक जो है बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई लिंक क्लिक यार मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। गाइज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे मैं आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा वीवो की तरफ से। हाँ गाइज ये जो है बिल्कुल जेन्युइन है, आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख ही पा रहे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ जैसे मैंने आपको पहले वादा किया था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, मिडिल नेम में अपना जो है तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए, लास्ट नेम लिख दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना, इसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस पूरा एड्रेस लिख देना है, सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पिन कोड स्टेट ये सब लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे अगर वीवो कंपनी में आपका कोई भी रिलेटिव काम कर रहा है तो इसको यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे आप लोग कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसको दे दीजिएगा यहाँ पे, और आपको कितना सैलरी चाहिए, आपका डिजायर्ड सैलरी कितना चाहिए ये भी यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को 25,000 चाहिए तो दे सकते हैं, अगर आप लोग को 10,000 चाहिए तो वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे डिजायर्ड सैलरी। इसके बाद आपका एजुकेशन, यहाँ पे जो है अपना लास्ट कोर्स का नाम, आपने यहाँ पे 10वीं पास किया है या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जो भी यहाँ पे आप लोगों ने किया है, आपका यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, अपना कॉलेज का नाम, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी ये सब लिखना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप लोगों ने पहले कोई पे काम किया है तो दीजिएगा, नहीं तो आर यू एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो इसको यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग नो कर देंगे आप लोग को यहाँ पे एक रिज्यूमे अपलोड करने के लिए बोलेगा। गाइज मैंने पहले ही बताया था आप लोग के पास एक रिज्यूमे होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है, रिज्यूमे कैसे बनाना है उसका अगर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे लिए रिज्यूमे वाले वीडियो लेके आइए, मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग अंत तक वीडियो को देखते ही नहीं है। तो आज मैं देखूंगा मुझे कितना कमेंट्स मिलता है, अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स मिलेगा तो मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। और गाइज यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो गाइज यहाँ पे आप लोग को अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो है इसमें टिक मार्क कर देना है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर देंगे आप लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को वादा किया था मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, तो गाइज मैंने यहाँ पे जो है पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को फिर भी आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आ जाए आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए बहुत ही बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा जरूर।